ट्रेडिंग की तरह ही है। अगर माइंड ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर माइंड ठीक है, हमारा सिस्टम ठीक है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, तब ये लॉक खुलेगा, नहीं तो फिर हम ट्रेडर नहीं बन पाए। तो सेम पैडलॉक को भी आप ये चार, अगर उसमें जो की पॉइंट रहते हैं वो जब तक मैच नहीं करेंगे नहीं। अगर इनमें से मान लीजिए आपका माइंड ठीक है, बिल्कुल साउंड माइंड है, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और सिस्टम आपके पास स्ट्रेटेजी है, उसको आपने टेस्ट किया हुआ है, पर अगर रिस्क मैनेजमेंट तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? ओवरट्रेडिंग तो क्या हुआ, उसमें क्या माइंड कंट्रोल ही नहीं है। दूसरा, नॉट फॉलोइंग प्लान, आप करते हैं कि मुझे ये मेरा प्लान है, ये स्ट्रेटेजी है, ये करना है, पर एंड ऑफ द डे आप उसी प्लान को फॉलो नहीं कर रहे और देखते हैं ये मैंने ट्रेड ले लिया और फिर सोचते हैं ये मैंने ट्रेड लिया क्यों था। कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? यस सर, होता है ना, होता है। माइंड साइकोलॉजी यही सुधार है क्योंकि प्लान को फॉलो नहीं कर रहे। मैं भी कभी कभी होता है, मंडे ट्यूजडे तक जो इशू आते थे, मंडे ट्यूजडे तक स्ट्रेटजी से फॉलो कर रहा हूँ और फ्राइडे तक आते आते पता नहीं ट्रेडिंग क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ भी यही होता है ना, स्टार्टिंग ये हो जाता है। तो उस चीज को कंसिस्टेंट रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। हमें ये लगता है कि जितना ज्यादा हम ट्रेड करेंगे उतना प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्या ये सच है? यहाँ पे लगता है ना, यहाँ पे लेस इज मोर, जितना कम ट्रेड करेंगे उतना फायदा, क्योंकि मंडे ट्यूजडे कर लिया, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, मैं नहीं कहूंगा, तीन चार दिन ट्रेड कीजिए, रिलैक्स कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइव ट्रेडिंग के अलावा भी, तो अगर इसी में गुजरे रहेंगे तो फिर मार्केट लेना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो आपको देखना है कि मार्केट को देना है या लेना है। बिग लॉसेस, तो ये एक और चीज है, मतलब क्या होता है, आपने अकाउंट को बिल्ड किया 5-5, 2-2% करके, छोटे छोटे टारगेट लेके उसको 10-15-20% तक लेके गए और एक दिन आया, एक ट्रेड आया, सब खत्म। इसमें कौन पड़ते हैं, क्यों होता है, रिस्क मैनेज नहीं किया है ना, शुरू में कर रहे थे और पता नहीं एंड में क्या हो गया, क्या होता है, क्या उसमें यही है, हमारे माइंड बैलेंस में नहीं, हम क्विक रिस्क बनाए। पर आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए तो अच्छे कर सकते हैं, पर एकदम से बड़े टारगेट लाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब उस टाइम पे क्या मेंटल स्टॉप लॉस लगा के, लाइक मेरे को पता है 15 पिप्स का या 20 पिप्स का मैं ऐसे ले आऊं, मैंने मेंटल स्टॉप लॉस लगाया, देन उस जगह पे लाइक मैं 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूं, अब मैं मुझे उस जगह पे वेट करना है कि 15 मिनट में, मतलब मेंटल स्टॉप लॉस मैंने ये लगा दिया, उधर हार्ड स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मैं एग्जिट हो जाता हूं, तो उस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटल लगाइए या हार्ड स्टॉप लगाइए, पर लूजिंग को कंट्रोल करना है। वो मेंटल स्टॉप ये नहीं होना चाहिए कि आपने 50 का लगाया था 100 का एंड अप हो जाए, ठीक है ना। तो मेंटल हो सकता है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर बार हार्ड स्टॉप लगाना हो, उस टाइम पर फिर आप मेंटल आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड पर इससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा, तो वो मेंटल हो सकता है, उस हिसाब से आप चलो। सर, सर फाइनल क्वेश्चन है कि लाइक जैसे आप सपोज मैंने चार्ट को एनालाइज कर लिया, अभी मेरे साथ क्या होता है सर, मैं लास्ट कंटिन्यूस मतलब काफी टाइम से मैं दो पेयर पे ट्रेड कर रहा हूँ, मोस्टली गोल्ड पे और GBP JPY पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मतलब दिन में दो सेटअप ऐसा निकलता है जिसमें
मतलब मेरा पीपी हिट होता है, बहुत सही जा रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं मैंने देखा हाँ सिस्टम पे मेरे आएगा, मैं ट्रेड करूंगा, मैंने प्रॉपर सिस्टम बना के रखा है, तो उधर वेट किया, प्रॉपर सिस्टम पे आया, मैं ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया, बट उसमें रिस्क नहीं रखना है, लूज में चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये देखिए कितनी बार वो हिट होता है कितनी बार नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता क्या है कि ब्रेक इवन कर दिया सेट, कई बार मार्केट ब्रेक इवन तक आता है, देन पर डीपी तक चला जाता है, गोल्ड मैच ऐसा होता है। आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो नहीं जा रहा है कुछ, अगर न्यूज आने वाली है आप एडजस्ट कर लीजिए, अगर प्रॉफिट में चला गया है ब्रेक इवन पर एडजस्ट कर लीजिए। बट सर आपके हिसाब से सही मतलब आइडल मतलब स्कैल्पिंग और स्विंग में सर मतलब स्ट्रेटेजिकली पूछ रहा हूं सर, आई नो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है सबके ऊपर, तो स्ट्रेटेजिकली मतलब हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, स्कैल्पिंग करना बेटर या स्विंग ट्रेडिंग करना बेटर? देखिए अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो फिर जहां पर हायर टाइम फ्रेम है वो बेटर करेंगे, वहां पर ही जो आपकी सपोर्ट असिस्टेंस होती है उनकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, छोटे टाइम फ्रेम पर इतना वो मैटर नहीं करता, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके फादर सन वाली थ्योरी आ रही है। सर कोई भी ट्रेड एंटर होने से पहले मिनिमम कितने कंट्रोल में चलना चाहिए इसके लिए? कॉन्फिडेंस लेवल जितना ले ले उतना बेटर है, पर इतने भी ना ले, मिनिमम तीन एटलीस्ट हो जाए आपकी आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, कुछ उसके हिसाब से आप एक दो और ले लें बहुत, अगर बन रहे हैं तो बेटर। मतलब कि क्या होता है अगर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस लगाने शुरू करें, इम्पैक्ट दिखा ग्रीस जब आउट होने वाला था, यूरोपियन इम्पैक्ट दिखा था, बैंक के क्राइसिस हुए, गोल्ड या और कोई भी मेटल इतना ज्यादा वोलेटाइल क्यों रहा? देखिए गोल्ड तो क्या रहता है कि जब ये बैंक फेलियर होते हैं या कुछ भी क्रियोटिक होता है, सबसे सेफ साइड क्या लगती है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें? गोल्ड सिल्वर यहाँ पर जाएंगे सब, अभी बैंक मैटर फेल हुए पैसे निकालने के लोग कहाँ लगते हैं, तो लगाए कहीं तो लगा बिटकॉइन में भी जा रही है, नहीं तो बिटकॉइन डाउन ही जा रहा था ना अभी। सर ये दोनों के जो बैंक फेल हुए कैसे, दोनों बिटकॉइन और गोल्ड मार्केट दोनों जंप करेंगे? तो वही इन्वेस्टर हूं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, कोई टेक्निकल मेरी वेबसाइट पर डाली हुई है, रिकमेंड करी हुई है, वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है सर, वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे वीडियो देखते होंगे पुराने, बहुत अच्छे वीडियो है, देखिए गाइस नॉलेज मिलेगी है ना। सर मेरे तीन क्वेश्चन हैं, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम नहीं चाहिए, 15 मिनट में कर रहे हैं, 4-5 पेयर बहुत, 5 पेयर इससे भी कम ही रहेंगे जितना बैटर लिया, जैसे मैंने बोला लेस इज मोर, ठीक है ना, 15 मिनट पे आ रहे हैं, 2-3 से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहे हैं तब बढ़ाइए, नहीं तो कम ही कर, ठीक है। तो क्या वो 4-5 पेयर जैसे भी आपका टिक मिल है जो, अगर उसमें हम डेमो ट्रेडिंग करेंगे तो क्या वो उसमें मैनिपुलेट तो नहीं करेंगे? जस्ट उसके रिजल्ट के बेस पे एकदम से रियल यहाँ पर तो काम कर रहा है, डेमो में मैंने डबल कर लिया ट्रिपल कर लिया, रियल में चले गए वहाँ हाँ, कभी कभी हो जाता है हो जाता है। सर बड़ो आपसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक मैनुअल ट्रेडिंग एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, अगर आप प्रोसेस फॉलो ही कर रहे हैं और प्रोसेस के थ्रू ही जाना चाहते हैं तब आप एल्गो पे अगर स्विच कर जाए तो प्रोसेस भी बना रहेगा और आपका कंसिस्टेंसी भी रहेगी, आपका माइंडसेट भी, अगर आप उसको कर सकते हैं ऑटोमाइज तो ओके, अगर आपका जो स्ट्रेटेजी है आपने देखा मैनुअल में काम कर रही है और उसको ऑटोमाइज कर सकते हैं करिए, पर जैसे मैंने बोला हर एक स्ट्रेटेजी का एक फेज रहेगा, उसमें भी लूजिंग टाइम आएगा ही आएगा, आपने कितना एक दो महीने में आपका जीरो हो गया अकाउंट का मैच करके देख चुका है, वो कितना आपने टेस्ट किया हुआ है, अगर वो किसी ने और ने करके दिया है कैसे आप उस पर कितना कॉन्फिडेंस रहेगा और कैसे, वो एक डाउट है। सर एक्चुअली मैं एक जॉब करता हूँ और मुझे ट्रेडिंग का टाइम 7:30 से 11:30 तक करता हूँ, मैं न्यू सेशन करता हूँ ट्रेडिंग, और मैं जैसे कि आपने पूछा था कितने पेयर करते हो, मेरा आंसर था 22-25,
तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे 20-25 पेयर्स हैं हमारे, और सिंस मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ, इससे मुझे करता ही नहीं, इवन 1 आवर भी नहीं करता हूँ। तो क्या है कि मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मेरा फिक्स है कि मैं 25 पिप्स मेरा स्टॉप लॉस होता है और 75 पिप्स मेरा टारगेट होता है, ठीक है। ये मैं कभी कम नहीं करता, 25 से ज़्यादा या कम नहीं होता, मेरा फिक्स है उनको। तो क्या कि मैं 1:3 जब मैं लेता हूँ टारगेट, तो मैं मेरा एक्यूरेसी जो है वो 40% तक होता है, लेकिन जब मैं इसे 1:2 कर देता हूँ तो वो 60% तक चला जाता है। तो और दूसरी बात ये कि मैं अपने पोजिशन को कैरी नहीं करना चाहता हूँ नेक्स्ट डे, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या मैं 1:3 फॉलो करूँ या फिर मैं इसे कम कर दूँ, कई बार 50 पिप्स जाने के बाद भी वापस आ जाता है। दो चीज़ें हैं, पहले तो आप 4 आवर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 डे से तो नेक्स्ट डे जा सकता है, बस मैं ये लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जब भी वो 50% में यदि मैं रखता हूँ, यदि 1:2 लेता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं इसलिए इसको कैसे मैनेज कर पाऊँ? देखिए 1:2 से 20 ट्रेड लिए, 1:3 से 20 ट्रेड लिए, किसमें आप बेटर रहे कंपेयर कीजिए, क्या रिजल्ट मिला जी, ठीक है ना। आप 1:3 देख रहे हैं, 1:3 भी देखिए, एक डाटा जब से नहीं होगा डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, आपका खुद का डाटा कि मैंने 20-30 ट्रेड लिए इसके बेस पे और इस पे मैंने चेंज किया, क्या मुझे बेटर रिजल्ट मिला है, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो रहती ही। और सर $100 के अकाउंट में यदि मैं 2.5 मेरा रिस्क जाता है, मतलब 2.5% तो कोई गलत तो नहीं है, तो ठीक चलेगा ना, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड 2% है, लेकिन यहां पे मेरा 2.5 है, 2.5 भी ओके है, अगर आप मैनेज कर रहे हैं, आपको पता है आप कितना रिस्क लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जहां पर आपको लग रहा है आपका सेटअप बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूं, तो वो अपनी रिस्क को और भी बढ़ा देते हैं। क्या होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेड है, कुछ ट्रेड कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, लो रेटिंग का है, कुछ बहुत अच्छा है, और ये नहीं है कि वो बार बार बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, तो कम ट्रेड लेते हैं, तो इसमें है चलिए 2 का 3 कर देता हूँ, 3 का 4 कर देता हूँ, और जो लो क्वालिटी वाला अपने 2 से 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड, थैंक यू आपकी स्टोरी। डेमो पर ट्राई किया तो डेमो पे मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे, और मेरा रियल अकाउंट है, मैं लगभग $200-$150 का अकाउंट रखता हूँ अपना, उस पर भी मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नोट डिसाइड करता हूँ, तो उस पर मैं जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरे ट्रेड सही जाते हैं, प्रॉफिट में जाके तो लॉस में चले जाते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि मैंने 1:2 का मैंने अगर टारगेट लिया हुआ है तो वो मेरा हाफ टारगेट तक गया, या कहीं भी थोड़ा सा कोई सपोर्ट वगैरह देखा मुझे दिख भी रहा है ये सपोर्ट है, यहाँ तक ये ट्रेड आ रहा है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन वहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं उसको एग्जिट करूँ या कुछ प्रॉफिट ले लूँ, तो वहां तक आके वो बैक हो जाता है। सिर्फ लॉस का अभी पूछा था उन्होंने, आप उस प्रॉफिट को एग्जिट कर लीजिए या फिर अपने ब्रेक इवन को एडजस्ट कर लीजिए, और देखिए हिस्टोरिकली 20-30 ट्रेड्स कितने रिवर्स हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ताकि आपके पास डाटा हो, अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से आप इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ वही, लेकिन सर वहाँ पे मुझे ये लगता है कि जैसे हम छोटा कैपिटल है हमारे पास, अगर $200 है वही अगर हम डेमो अकाउंट डेमो में ट्राई कर रहे हैं, मैं कहूँगा जितने रियल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने का ही डेमो कर सकते हैं। देखिए लोन एंटर कर सकते हैं पर आपका रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर मुझे पता है मुझे $100 का इस पर रिस्क लगाना है, तो मैं अपने लोट्स को पहले ही ब्रेक डाउन कर लूँगा कि मैं इसमें 4 या 5 लोट लूँगा, ठीक है ना। तो पहले मैं 2 लोट एंटर कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जा रहा है बैडिंग विनर, अब मैं 2 और एंटर कर लूँगा, पर रिस्क मेरा जो पहले से कैलकुलेटेड है मैं उसको नहीं बढ़ाऊँगा। ये नहीं कि प्रॉफिट में जा रहा है तो मैं और लोट इसमें एंटर करता जाऊँ, अगर वो रिवर्स भी गया तो एटलीस्ट जो डिटरमाइन आपका लॉस पहले से डिसाइड है उससे ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। लर्न हाउ टू लूज बच्चा, इसमें सर थोड़ा टाइम आगे वाले टेबल के लिए प्लीज बिल्कुल, पर वो कम ही होगा ना, ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने 5 लोट डिसाइड किए थे, 2 में मैंने किया और 2 बाद में किए, तो वो उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, और रिस्क तो सेम ही है, रिस्क तो आपने पहले निकाल लिया ना, ठीक है। तो लंदन सेशन पे क्या होता है,
वो आप ट्रेड कर सकते हैं, सेटअप आप वेट कीजिए अगर मिल रहा है या नहीं। कभी मोस्टली द मार्केट ओपन होगी, हाँ डेफिनेटली, पर कभी कभी मूवमेंट पहले भी हो जाती है। यहाँ पर एनालिसिस एक घंटे से चलती है, इस हिसाब से लेकर चलिए 11:30 डेफिनेटली। जब मार्केट खुलेगी वॉल्यूम जाए ज्यादा आएगी, स्टॉक मार्केट खुल चुकी है, बड़े भी जो आ रहे हैं वो नीचे, पर एशियन के साथ साथ भी कुछ है जो पहले से स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज और है कि स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स जो होते हैं डजंट रियली वर्क, क्या होता है कि वो बेसिकली वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रेंड में वो लोग जा चुके हैं कि जीडीपी स्ट्रांग है, वो जीडीपी वाई वाई, तो जब हम लोग सोचते हैं कि चल ये दिखा रहे स्ट्रेंथ इंडिकेटर में तो कोई बात नहीं था उस टाइम पर। इंडिकेटर की बात कर रहे हैं या जो स्ट्रेंथ आपको देखिए, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन लिया था मैंने पहले कि कोरिलेशन ये स्ट्रेंथ देनी चाहिए, केवल आपको फैक्टर लेने के लिए कि कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है कौन सी वीक में। मैं अगर मेजर करेंसी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट वन, ठीक है, मैं सोच रही हूँ हमेशा सर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप टारगेट अचीव करने जाते हैं तो यू स्टार्ट डूइंग ओवर ट्रेड। हाउ वी आई एम श्योर सर दिस आपका कैपिटल एलोकेशन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस टाइम माइंडसेट को सर कैसे प्रिपेयर करके रखें कि हमें हमारा टारगेट भी अचीव हो जाए और हम लोग ज़्यादा ट्रेड भी ना करें। बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कलकत्ता जाना है, आपको क्या प्लानिंग चाहिए कि मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या मुझे मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, कैसे मैं जाऊंगा, सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे ना। ये तो नहीं कि बैठा है चल दूँ कहाँ जाऊँ। अब यहाँ पर टारगेट है, कितना टारगेट है, 10% टारगेट है, कितना टाइम है, 1 month, 1 महीना है, कितने ट्रेड लेते हैं आप, 2 or 3 ट्रेड इन अ डे, तो महीने में कितने हो गए, अराउंड 50-60 ट्रेड, कितने प्रॉफिट में गए मान के चले, उसमें सर एवरेज जो मैं अगर जा पाता हूँ 6-7% पे पहुँच पाता हूँ सर, मैं अगर मेरे को सेफ होकर चलता हूँ, बिकॉज मेरे को अगर सेटअप को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आई एंड अप गेटिंग इनटू गुड सेटअप बट अर्ली एग्जिट ले लेता हूँ। तो वो आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो माइंडसेट में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे टारगेट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सबके साथ आना चाह रहा हूँ, देखिए 7 ट्रेड ले रहे हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका एज कितना है, कितने परसेंट प्रॉफिटेबल में आ सकते हैं, 50-60%, अगर 60 ट्रेड में से 60% प्रॉफिटेबल में आ गए तो कितने ट्रेड आ गए, 36 अब ये 36 ट्रेड मान के चलिए कि इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहेगा, ठीक है ना, कि अगर मेरे 36 प्रॉफिट में जाते हैं 24 मेरे लूजिंग में जाते हैं, ये विन में जाए ये लूज में जाए, कितना मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए और क्या आपका टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, फिर उसके बाद तो ये पहले रोड मैप जो मैंने पूछा आपको कलकत्ता जाना है, ये रोड मैप बनाना पड़ेगा, अगर ये नहीं बनाएंगे तो पहुंच जाएंगे कैसे, पहले तो यहाँ करना है फिर वहां पे करना है। दूसरा आप ट्रेड अर्ली एग्जिट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, आप चार्ट में ज्यादा कितना टाइम दे रहे हैं चार्ट, मैंने सर वैसे तो मैं प्रॉपर करेंसी मीटर फॉलो करके, अब उसमें बस यही होता है कि मैं 0.5 पे एंटर करूं 0.7 पे एंटर करूं कंपेयर टू द, नहीं मैं टाइम पूछ रहा हूँ कितना टाइम ट्रेडिंग, उसी बता रहा हूँ सर, तो वो जब सही आता है तो अब उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि मैं न्यूयॉर्क लंदन सेटल बैठता हूँ, मैं आधा पौना घंटा चार्ज को देता हूँ, हाँ जो सिस्टम बैठता हूँ मन करता हूँ कि अब जब पूरे दिन मिला के मुझे आधे घंटे का टाइम मिला तो कुछ तो ट्रेड पकड़ो ना मैं, ठीक है, पर अर्ली एग्जिट क्यों कर रहे हैं, दो रीजन, या तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा ज्यादा देर बैठने का ऑब्जर्व करने का, और या फिर मैं ट्रेड को ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ कि तो इशू क्या है, मेरा लास्ट सेमिनार किसने क्या बोला था मैंने, अगर आप अपना रूल ब्रेक कर रहे हैं थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारना है, ठीक है ना, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जो आपने प्लान था उसको फॉलो किया, मैंने कहा क्या कहा था क्या करें, नहीं अगर प्लान अच्छे से फॉलो, चॉकलेट अपने आप को ट्रीट दीजिए, साइकोलॉजी बनेगी
आपको रिवॉर्ड बनेगा। एक पावर ऑफ हैबिट बुक है, उसको पढ़िए। We'll be right back.